Okay. And यहां पर क्या हमें बात किया गया है इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि अगर हम uh, में तो, वहाँ पर जी की हम कर लें। तो यहां पर पर क्या है मान लीजिए कि हमारे पास गैस भरी हुई है अभी स्टार्टिंग में जो बाहर का जो प्रेशर है ये है टेन टू दावर फाइव ये दिया हुआ है। गैस का प्रेशर सपोज आप मान लीजिए पी वन अभी ये लेंथ हमको दिया हुआ है ये लेंथ लेट लेटेस्ट सपोज दिस लेंथ इज एल वन जो कि हमको दिया है दैट इज़ ऑलमोस्ट ट्वेंटी सेंटीमीटर ओके मेरे को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका दिया हुआ है हमें इसको ए मान लेता हूँ जिसकी वैल्यू हमको दे रखी टेन सेंटीमीटर स्क्वायर इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर स्क्वायर में ठीक है वो बात की बात है वैल्यूज़ की बात की बात है वैल्यूज आप बाद में आ, रखेंगे ठीक है ना फिलहाल हम खाली अभी कॉन्सेप्ट में आपको बता रहे हैं अभी क्या हुआ ये तो पहली कंडीशन है ठीक है इसका अगर मेरे को पी वन है वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं गैस जो होगी इसके पर्टिकुलर मोल्स होंगे ठीक है ना फिर क्या है क्या अगली कंडीशन में क्या है क्या? इसी जो अपना पिस्टन वाला जो चैम्बर है इस गैस के वेजल को हम लेके गए कहा स्पेस शिप में जो कि स्पेस शिप जो कि अर्थ के चारों ओर घूम रहा भाई तो स्पेस शिप में ले गए लेकिन हाँ उन्होंने प्रेशर को यहाँ पर वही मेंटेन रखा टेन टू दावर फाइव पास कर अब लेंथ इसकी चेंज हो जाएगी कितनी होगी हमें निकालनी होगी एरिया वही रहेगा एक चीज़ ये पिस्टन जो है अब यहाँ पर पिस्टन का खुद का जो मास एम है पिस्टन का मास कितना है एम एम हमें दिया है वन के तो यहाँ पर अगर हम स्पेस शिप पर बात नहीं कर रहा हैं पहले बात कर रहे हैं जब अर्थ पे ही रखा हुआ है तो यहाँ पर इसका फोर्स नीचे कितने की लग रहा है एम तो प्रेशर कितना लगा एम जी कौन है बट यही पिस्टन बाद में जब स्पेस शिप पर पहुँच जाता है तो इसका फोर्स एम जी जी जीरो हो जाएगा तो फोर्स कितना रहेगा जीरो एम जी भाई जी जीरो हो जाएगा यहाँ पर स्पेस शिप पर जी यहाँ पर क्या होगा जीरो तो जीरो हो जाएगा तो फोर्स जीरो लगाएगा तो इट मीन्स यहाँ पर प्रेशर क्या रहेगा ये ये तो कोई प्रेशर नहीं लगाएगा बट हाँ इस केस में यहाँ पर प्रेशर ये पिस्टन प्रेशर लगा सकता है दैट इज एम जी अपॉन ए बट इस केस में पिस्टन प्रेशर नहीं लगाएगा तो यहाँ गैस का प्रेशर हो गया पी टू क्लियर दिस इज कंडीशन नंबर वन एंड दिस इज कंडीशन नंबर टू ठीक है तो वन में हम पी वी इज टू एन आर टी लगा सकते हैं लेटेस्ट सपोज द वॉल्यूम अभी इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास वी वन है यहाँ पर वा वॉल्यूम मान लीजिए वी टू वी वन क्या होगा एल वन इंटू ए वी टू क्या होगा एल टू इंटू ए प्रेशर पी वन है, है. है ले, ले दूसरे से पहले जाओ, भाई, तो रहेंगे. चलो आइडियल गैस लगा सकते हैं हम लोग पी वन वी वन इज इक्वल टू एन आर टी ठीक है ये क्लियर हो गया नाउ अब पी वन की वैल्यू हमारे पास हमें मालूम है पी वन की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर टेन पी वन अब ये पिस्टन पे एक तो एम जी ए नीचे की तरफ लग रहा है प्रेशर एक ऊपर से ट्वेंटी पावर फाइव लग रहा है तो पी वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी इन दोनों प्रेशर को ये पी वन बैलेंस कर रहा है तो इसका मतलब पी वन की वैल्यू हो जाएगी ट्वेंटी पावर फाइव पी वन इज इक्वल टू ए और प्लस ये एम जी ए इन दोनों को क्या कर रहा है बैलेंस कर रहा है तो पी वन हो गया इसको इसको हम पी ही मान लो इसको मान लो आप पी यहाँ पर भी पी लिख दो चलो कुछ कैंसिल हो जाएगा टर्म्स तो इसको पी ओके वन की वैल्यू हो जाएगी पी प्लस एम जी अपॉन एस एम जी अपॉन ए पी वन की वैल्यू होगी वी वन कितना पहली कंडीशन निकाल दी स्पेसिप की वैल्यू निकालो स्पेसिप में जब पहुंचता हैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी ओनली पी एमजी ए जीरो हो जाएगा ओनली पी इन टू वी टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी एल टू इन टू ए एल टू is equal टू nRT. अब ये nRT टी की हमें निकालना है यहाँ पर वही एल टू निकालना है तो हम बोल सकते हैं nRT टी की वैल्यू चलो यहां से इधर पुट कर दो बात एक ही है तो हम बोल सकते हैं पी इंटू एल टू इंटू ए इज इक्वल टू पी प्लस एम जी अपॉन ए इंटू एल वन इंटू ए तो अब यहाँ पर हम बात कर सकते हैं इसको थोड़ा सा हम आगे चलें तो पी इन टू एल टू इन टू ए इज इक्वल टू पी एल वन को रखो ए को अंदर ले पी ए प्लस एम जी ए से ए कैंसिल हो जाएगा बाहर रह जाएगा एल वन वैल्यू लास्ट में पुट करेंगे ठीक है अब यहाँ पर एल टू निकालना तो ये पी और ए को इसके नीचे ले आओ तो एल टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ए अपॉन पी ए ये हो गया ठीक है प्लस एम जी अपॉन पी ए ये हो गया इनटू एल वन पी ए ने पी ए कैंसिल कर दिया तो यहाँ बचा वन प्लस एम जी अपॉन पी ए तो इंप्लाइज दैट एल टू इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा वन प्लस एम जी अपॉन पी ए इंटू एल वन अब वैल्यू पुट कर दो वैल्यू अब फुट करने में क्या है भाई एल वन की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी एल वन दे रखा हमको कितना हाउ मच टेन सेंटीमीटर स्क्वास फोर मीटर स्क्वायर और क्या बचा प्रेशर uh, प्रेशर हमारे पास दे रखा है पी की वैल्यू दे रखी टेन टू दी पावर फाइव पास और क्या बचा जी की वैल्यू आप यहाँ पर टेन रख सकते हैं जी इज इकल टू टेन चलो वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा न भी क्वेश्चन में कुछ रह नहीं गया ठीक है ना तो अब वैल्यू पुट कर दो तो एल टू इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं एल टू इज इक्वल टू वन प्लस एम जी मास कितना है वन के जी मास कितना दे रखा वन के जी वन इंटू टेन अपॉन प्रेशर टेन टू दावर फाइव इंटू एरिया टेन इंटू टी पावर माइनस फोर एल वन की वैल्यू कितनी है 20 into 10 to the power minus 2. कितना मीटर हो गया? अब देखो 10 ने 10 को कैंसिल कर दिया. 10 की पावर minus 4 है और 10 की पावर 5 है. तो ये कितने हो जाएगा कि 10 की पावर 1 यानी 1.10. 1 plus 1.10 into 20 into 10 to the power minus 2. So 10 11 by 10 हो गया ना? तो दिस इज इक्वल टू 11 by 10 into 20 into 10 to the power minus 2. टेन टू द ट्वेंटी तो दिस इज ट्वेंटी टू इंटू टू दावर माइनस टू मीटर ये एल टू आ गया तो एल टू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही ट्वेंटी टू इंटू टेन की पावर माइनस टू तो ये आंसर निकल गया हमारे पास एल टू इज इक्वल टू ट्वेंटी टू इंटू टू दी पावर माइनस टू मीटर ये इसको हम बोल सकते हैं जीरो पॉइंट टू टू मीटर यह इसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा ट्वेंटी टू सेंटी यही हमसे क्वेश्चन का आंसर पूछा था ये निकल गया